आज पूरे देश भर में तमाम किसान संगठनों के आह्वान पर तमाम जन संगठनों CITU महिला समिति DYFI SFI हमारी आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील वन मजदूर चौकीदार इंडस्ट्री वर्कर सरकारी कर्मचारी सभी संगठनों ने मिलकर जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार शिवराज सरकार ने किसानों की मांगों को सुनने की बजाय जो गोलियां चलाई जिसमें 8 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए उस गोलीकांड के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए किसानों के जो मुद्दे हैं मांग उनके समाधान के पूरे राष्ट्रव्यापी या आक्रोश दिवस के तहत यहाँ गुड़गांव के हम तमाम संगठनों ने यहाँ अपना बाजार में जाम करके बाकायद अपना रोष जताया है जिसकी मुख्य मांगे हैं कि किसानों की जो हत्याएं की हैं उन दोषी अधिकारियों और पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो साथ में उनको पूरा मुआवजा मिले और जो किसानों की मांगे स्वामीनाथन आयोग लागू हो किसानों की फसलों के पूरे दाम मिलें उन पे जो कर्जा माफ़ी है वो मुक्त किया जाए कर्जा मुक्त किया जाए और फसलों पे लागत को घटाया जाए और फसलों के लाभकारी मूल्य दिए जाए सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए। ना तो इनकी कोई फसल का मुआवजा सही तरीका से दिया जाता है और ना इनकी कोई जब ये फसल को उगाकर मंडी में ले जाते हैं तो वहाँ भी इन पर आड़त का खर्चा सरकार लगवा देती है। इनकी मेहनत पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। आज किसान कितनी मेहनत से फसल को पैदा करता है और उसके दाम जब मंडी में जाकर लेता है तो किसान को रोना पड़ता है क्योंकि ये बड़े बड़े दलालों से मिले हुए हैं। आज की जो सत्ता पर जो सरकार बैठी है ये सत्ता पे आने से पहले कहती थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम किसान गरीब मजदूर हर वर्ग को रोजगार देंगे लेकिन इन्होंने झूठ बोलकर सत्ता को कब्जाया था। आज ये सभी महकमों का पंजीकरण करने जा रहे हैं। एक दिन अखबार में खबर पढ़ी थी हमने एक किसान ने 22 क्विंटल लहसुन पैदा किया और वो लहसुन को मंडी में लेकर के गया वह 5 रुपए किलो जो है ना रेट पाया उस किसान ने एकदम हार्ट अटैक हो गया कि वो बर्बाद हो गया जो है ना जो उसने लागत लगाई थी बैंक से कर्जा लिया था वो कहाँ से अदा करेगा इस बात को सोच करके एकदम सदमा लगा उसके ऊपर। पूरे हिंदुस्तान के किसान अकेले नहीं है ये संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। हम सरकमचार संघ हरियाणा की तरफ से उन किसानों की मांग का समर्थन करते हैं और प्रदेश की सरकार से केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के साथ जो लाठियां बरसाई गई जो वहां शहीद हुए किसान उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए उनके आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए और उन किसानों को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ की जो सरकार है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है उनकी पोल हम खोलना चाहते हैं कि पंचकुला के अंदर जेबीटी की हमारी अध्यापिकाएं मांग को लेकर के सड़कों पे थी वहां पर उनको घसीट घसीट कर इस कट्टर सरकार ने उनको जिस तरह से उन पर लाठी चार्ज किया है उनकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज देश के अंदर कृषि संकट में है घाटे में है किसान आए दिन आत्महत्याएं कर रहा है खेती पे लागत बढ़ रही है आमदन घट रही है जो छोटी पड़ रही है सरकार बड़े बड़े कारपोरेट घरानों अंबानी अडानी माला जैसों के अरबों खरबों रुपए माफ कर रही है लेकिन किसान जो आज सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए कर्जवान और उनके कर्जे माफ नहीं कर रही है इसलिए पूरे देश की जनता सरकार की इस तानाशाही गोली चलाने वाली कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करती है। एक तरफ देश में मोदी सरकार 3 साल पूरे होने पर बड़ी बड़ी बात
मीडिया में, दूसरी तरफ किसानों पे गोलियां चला रही। देश का किसान अकेला नहीं है, पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी, महिलाएं सब हम साथ हैं। और मोदी सरकार की निंदा करते हैं, आवाज दो, शहीद किसान साथी अमर रहे, जनता का भाईचारा जिंदाबाद, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मुर्दाबाद।